कैमरे में जो दिखा रहा है ना, तो वो तो मेरे हिसाब से लाइक या व्यूज़ के लिए दिखा रहा है भाई। ये जो दस्तरखान पे भी जो खा रहा है ना, ये भी प्रोफेशनल लोग खा रहे हैं पा दिए, तो दस्तरखान पे हम जैसा आदमी नहीं है। मसला ही मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि बस जान छुड़ानी है मुझे, अपनी ज़कात निकालनी है। मैं गया कब्रिस्तान, मैंने खैर बड़ी सोर्स वोर्स लगाई, मैंने वालिद का इंतकाल हुआ था, मैंने बोला भाई मुझे सरजानी में प्लाट नहीं चाहिए, मैं कब्र मांग रहा हूँ। लेकिन कुछ महंगाई हम भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फराज भाई। तो पिछला एक जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कुछ सवाल जो थे वो हमारे रह चुके थे टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो आज हमने ये फैसला किया कि दोबारा फराज भाई को इनवाइट किया और इनसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे हम कि मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है, आवाम इस टाइम किस तरीके की ठोकरें खा रही है। तो आइए पूछते हैं हम फराज भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप फराज भाई? बहुत शुक्र अल्लाह का। फराज भाई, टाइम की शॉर्टेज को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिंपल से सवालों पर आता हूँ कि आप सबसे पहले मेरे को ये बताएं कि पानी की सूरत हाल कैसी है? भाई पानी का निज़ाम तो ऐसा है पूरे कराची का तकरीबन कि कहीं तो खैर रोज़ ही आता है और कहीं ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन आता है। अच्छा, हफ्ते में जो एक दिन पानी आता है ना, उसमें भी ऐसा है कि जैसे कि माथे सप्लाई पीछे से खुली, फिर हर इलाके में एक वाटर बोर्ड बना हुआ होता है जिसमें एक बड़ा सा टैंक होता है और बड़ी सी टंकी होती है। तो वो इतने बड़े होते हैं कि अगर हम उसको स्टॉक कर लें और पूरे 15 दिन भी चलाएं, 20 दिन भी चलाएं, तो आराम से पानी एक इलाके में चल सकता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ से पानी खुलता है और हमारा जो पानी स्टॉक भी होता है, उसके बाद क्या होता है कि भाई उसको 5 घंटे के लिए कंटिन्यू खोल दिया जाता है। अब उसको 5 घंटे जब खोला पानी को, तो उसमें होता ये है कि एक आदमी का टैंक 1 घंटे में भर जाता है। अब 1 घंटे में मेरा टैंक भी भर गया और मेरी टंकियाँ भी भर गईं, बचे 4 घंटे। उस 4 घंटे में जो पानी आएगा वो वेस्ट होगा, उसको हमारे आपके घर वाले ज़ाया करेंगे 4 घंटे का पानी। वो 4 घंटे आप ना दें, हफ्ते में पानी आता है तो आप उस हफ्ते में हर रोज़ आधा घंटा पानी खोल दें। हर रोज़ आधा घंटा पानी खोल दिया, पूरे इलाके को मिल दिया। अब वाटर बोर्ड में मिसाल है कि भाई एक जगह पर 10 बंदा काम करता है, अगर रोज़ आना एक बंदा की मतलब उसकी ड्यूटी लग जाए वाल खोलने पे, तो आधा आधा घंटा पानी चला दिया जाए, तो फिर उसका नंबर जो दोबारा आएगा तो मेरे ख्याल से भी 2 या 3 बार नंबर आएगा महीने में। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है, उससे सहूलत भी मिल जाएगी आवाम को, लोग परेशान भी नहीं होंगे। अच्छा फराज भाई, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जो ये जगह जगह पूरे मुल्क में दस्तरखान लग रहे हैं, तो इसमें क्या सेटअप है, इसका कौन लोग खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं? काफ़ी बातें सुनने को मिलती है, तो इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। भाई ये जो दस्तरखान पे भी जो खा रहे हैं ना, ये भी प्रोफेशनल लोग खा रहे हैं, ये मैं और आप नहीं है, ये वही लोग खा रहे हैं। अब मैं यहाँ से अगर गुजरता हूँ ना, बाइक पे जगह जगह गुजरता हूँ, हर इलाके में माशाल्लाह लगा होता है दस्तरखान, तो उस पर मैं ऐसे ही लोग बैठे हुए देखता हूँ जो बाहर से यहाँ कमाने आए हुए ना कराची में, और वैसे भी मतलब दूसरे के जिनकी फैमिलियाँ बाहर हैं, कराची से बाहर हैं, वो अकेला आदमी आया हुआ छड़ा कमाने। अब उसने उसकी दिहाड़ी है 2,500 रुपये और मेरी दिहाड़ी है, मिसाल है कहीं नौकरी करता हूँ तो मेरी दिहाड़ी 800 रुपये या बहुत 1,000 रुपये, उसकी 2,500 रुपये दिहाड़ी है, लेकिन वो दस्तरखान पे खाना खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके वो 2,500 भी बच रहे हैं और उसकी फैमिली भी वहाँ है। तो हमसे अच्छा तो वो बंदा है, हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं ना भाई। सही बात पा दिए, तो दस्तरखान पे हम जैसा आदमी नहीं है, दस्तरखान पे वही लोग हैं जो प्रोफेशनल हैं। अच्छा, आपसे तीसरा सवाल ये करना था कि जो राशन वगैरह के जो बोरे तकसीम हो रहे हैं रोडों पर मुख्तलिफ जगहों पर, तो इस हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालें आप। भाई राशन के बोरों का देखें ऐसा है कि मिसाल है कि मुझे ज़कात देनी है, ठीक है, तो ज़कात का तरीका ये है कि मुझे ज़कात देनी है, मैं मिसाल है पैसे वाला आदमी हूँ और मुझे जो है रमज़ानों में ये वैसे ही रमज़ान के बगैर भी 20 बोरे निकालने हैं। अब मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने बोला ये लो अहमद भाई 20 बोरे के पैसे, या ये लो 20 बोरे, आप इसको मुस्तहिक जो हैं उनमें बांट दो। अब मुझे क्या पता कि आपने उसको बांटा या नहीं बांटा, ठीक है, एक आम आदमी हो आप, मतलब
मुझे मतलब किस तरीके से पता चलेगा? तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि अगर मेरी ज़कात की नियत है और मैं दूंगा, मेरे पास इतना माल है और मैं मिसाल 1,00,000 रुपये ज़कात देना चाहता हूँ, तो मैं किसी को ना दूँ, किसी को भी ना दूँ, वो 1,00,000 रुपये मैं अपने हाथ से लेके जाऊँ जनरल स्टोर पे, परचून वाले पे, कहीं भी, और उस 1,00,000 रुपये का सामान ख़रीदूँ। मेरे अपने 5,000 लोग हैं जिनको मिसाल मैं जानता हूँ, उसमें से 200, 300, 400, 500 लोग ऐसे हैं जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ कि भाई मैं उनके घर में वो राशन पहुँचा दूँ ताकि सही जगह पहुँच जाए, बजाय आपको 1,00,000 रुपये देने के या 20 बोरे क्यों दूँ मैं आपको? मसला ही मेरे पास टाइम ही नहीं है ना, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि बस जान छुड़ानी है मुझे, अपनी ज़कात निकालनी है। मैंने आपको दिए 1,00,000 रुपये, अपनी जान छुड़ाई, मतलब हमारी गलती है, हमारी गलती है। तो सही जगह वो नहीं पहुँच रहा ना, फिर वो मतलब कहीं का कहीं जा रहा है। अब आपको मैंने दिए, आपने 5 बोरे आपने रख लिए, 15 बोरे आपने अपने बहन भाइयों में बांट दिए जिनका पेट पहले ही भरा हुआ है, उन लोगों तक वो थोड़ी पहुँचे जिनके पास पहुँचने जाएंगे। अच्छा फराज़ भाई, तो ये कब्रिस्तान के बारे में काफ़ी सुनने को मिलता है कि कब्रिस्तान में भी इस टाइम कब्र ख़रीदने जाओ तो कुछ पैसे वहाँ भी लगते हैं, फिर कुछ मंथली इश्यूज भी आते हैं उस पर, तो इसका क्या सेटअप है, क्या सूरत हाल है इस टाइम कब्रिस्तान की? भाई कब्रिस्तान की हालत ये है अभी के, अभी आप कब्र लेने कराने के लिए जाओ, ठीक है, आज के दौर में मरना भी आसान नहीं है। आप अभी कब्र के लिए जाते हो और उसको बोलते हो भाई एक मुझे कब्र चाहिए, ठीक है, तो सोर्स भी अगर लगाओगे ना आप सोर्स, तो 4-5 माह के इंतज़ामिया के लोग कब्रिस्तान के जो होंगे वो आपको बोलेंगे 50,000 रुपये, ठीक है। अब आप 50,000 रुपये नहीं दे सकते। अब ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं गया कब्रिस्तान, मैंने खैर बड़ी सोर्स वोर्स लगाई, मैंने वालिद का इंतकाल हुआ था, मैंने कब्रिस्तान में सोर्स वोर्स लगाने के बाद मैंने उनसे बोला कि भाई कब्र चाहिए, उन्होंने बोला ठीक है, कितने की? 50,000 रुपये। मैंने बोला भाई मुझे सरयानी में प्लाट नहीं चाहिए, मैं कब्र मांग रहा हूँ थोड़ी सी जगह। बोला भाई यही रेट है, चाहिए तो बताओ नहीं तो देख लो। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला भाई जहाँ मेरी वालदा हैं तो वहीं वालिद को दफना दिया जाए। तो मैंने बोला अच्छा भाई आप ऐसा कर दो ताकि पैसे बच जाएं। तो उन्होंने उस काम के भी मुझसे 20,000 रुपये लिए, ठीक है। अच्छा, और ये बोलते हैं कि हमारा महीना बांधो, किसी ने 1,000, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, इन गोरखानों के पैसे बंधे हैं। अच्छा, अगर इनको आप महीना नहीं बांधते तो क्या होगा, आपकी कब्र पे किसी और की तख्ती लगी हुई होगी और आप शबरात वाले दिन उनसे लड़ रहे होगे, ये हाल है। अच्छा, ये तालीमी इदारे जो हैं, जैसे गवर्नमेंट इदारे हैं, तालीमी इदारे और प्राइवेट इदारे हैं, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि मतलब एक अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं काफ़ी निज़ाम धर्म भरम चल रहा है, कोई तालीमी इदारों मतलब प्राइवेट इदारों को अच्छा बोल रहा है, कोई सरकारी इदारों को अच्छा बोल रहा है, तो आपका नज़रिया क्या है कि क्या होना चाहिए? भाई देखो, गवर्नमेंट इदारे तो फिर बहुत अच्छे हैं, सैलरियाँ भी अच्छी बढ़ती हैं, प्राइवेट वाले इदारे परेशान होते हैं, क्योंकि मसला ये है कि सैलरियाँ बढ़ाने का बोला जाता है कि प्राइवेट वालों को ही बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ाते। क्या बढ़ाते हैं, साल में बंदे को पूरे साल इंतज़ार करता है, क्या बढ़ते हैं, 1,000, 1,200, 1,500 रुपये एक साल में उसके बढ़ते हैं, और महंगाई यहाँ पे रोज़ाना हो रही है। तो मतलब उनको भी पकड़ना चाहिए, प्राइवेट वालों को, कंपनियों वालों को, इदारे वालों को, तालीमी इदारे वालों को, सबको पकड़ना चाहिए। अच्छा फराज़ भाई, एक सवाल हो रहा है आपसे, वो ये कि सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, तो इनमें इलाज का तरीक़ाकार किस तरीके का है इस टाइम मौजूदा दौर में, और मतलब पैसा हमसे ज़्यादा कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, हम कहाँ जाना चाहिए हमें इलाज के लिए? भाई अभी ऐसा है कि मेरे एक दोस्त को जो है कील ठोक रहा था, उसके हथौड़ी लग गई हाथ पे, कील भी लग गई, उसके खून बहुत बहने लगा, मैं उठा के उसको गवर्नमेंट अस्पताल ले गया। गवर्नमेंट अस्पताल जब मैं लेके गया इमरजेंसी में, तो वहाँ रश लगा हुआ, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा सर ये देख लें ज़रा, वो डॉक्टर है, वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं देखूँगा वो, वहाँ जाओ। मैं उसके पास गया, वो बोलता मैं नहीं, उसके मतलब चौथे डॉक्टर के पास मैं गया तो मेरा नंबर आया, एक डॉक्टर ने बड़े से देख के फिर वो लिख दिया। मैं गया मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर से मैंने सिरिंज ली और क्या नाम है अपना इंजेक्शन वगैरह पट्टी वट्टी लेके मैं जब पहुँचा इमरजेंसी में, तो बोलने लगे भाई वो पायोडीन भी लाओ।
तो मतलब आयोडीन भी नहीं है, बोला नहीं पायोडीन भी नहीं है। तो मैं गया और वहाँ से पायोडीन की बोतल लेकर आया, मैंने उसको दी। जब मैंने उसको दी तो उसके प्याले में जब मैंने देखा तो उसमें पानी डाला हुआ था, पायोडीन तो था नहीं। मतलब भाई आप ये लगा रहे थे, बोलना हाँ भाई यही लगा रहा है। मतलब उनके पास पायोडीन भी नहीं है, वो भी हमने अपनी जेब से ख़रीदना है। तो मतलब हुकूमत तो इशू कर रही है ना, गवर्नमेंट दे रही है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से निकल जाता है 100%, निकल गया। रास्ते में हो गया 50%। जब हॉस्पिटल में पहुँचा माँ की इंतज़ामिया माशाल्लाह, फिर वो बचा 0%। फिर आपको सिरिंज भी 20 रुपये की ख़ुद ख़रीदनी है, वो नहीं देंगे। अच्छा अच्छा फराज़ भाई, जो मेडिकल स्टोर्स पे हम देख रहे हैं जो टेबलेट्स और सिरप वगैरह लेने जाते हैं हम, तो इस पे दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या कंपनियां बढ़ा रही हैं या मेडिकल स्टोर वाले ख़ुद कर रहे हैं? देखो कंपनियां, महंगाई तो हुई है, पीछे से भी हो रही है, लेकिन कुछ महंगाई हम भी कर रहे हैं। अब किसी चीज़ पर अगर 2 रुपये बढ़ रहा है तो उस पर 4 रुपये बढ़ा के हम बेच रहे हैं। अब कोई गोली है, मिसाल है कि मैं लेता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि किसी मेडिकल से ली मैंने वो गोली 24 रुपये की, और दूसरे मेडिकल से ले रहा हूँ 30 रुपये की। अब मैं उससे बोल रहा हूँ तो बोल रहा महंगी हो गई, मतलब एक से दो दिन में कैसे महंगी हो गई। फिर मैं वहीं जा रहा हूँ, वो फिर मुझे 24 रुपये की दे रहा, तो मतलब ये क्या है? 2 रुपये 4 रुपये सिर्फ ले लो, आने चाहिए। पेनाडोल का पत्ता है, जो राम पत्ता है ब्लू कलर का जो है, वो नहीं है मेडिकल स्टोरों पर, है लेकिन आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके ताल्लुक आते हैं तो मेडिकल वाला आपको पेनाडोल का पत्ता देगा, नहीं तो आप पैसे ज़्यादा दोगे फिर मिलेगा आपको। अच्छा फराज भाई, मेरे को ये बताएं कि जिस घर में 6, 7, 8, 9 इस टाइप के आदमी काम कर रहे हैं, उनकी इनकम अच्छी है, उन्हीं को भी इमदाद भी मिलती है, अक्सर हमने देखा है सुना है, तो इस पर आप ज़रा बताएं कि क्या होना चाहिए इसका हल? भाई मैंने यही कहा है कि रमज़ानों में ऐसा ही होता है, रमज़ानों में देख लो या रमज़ानों से अलावा देख लो, मतलब मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि जिस घर में 8 बेटे हैं और माशाल्लाह सब अच्छे कमा रहे हैं, सही है, लेडीज़ भी उसी घर की खड़ी है लाइन में, बाप भी उसी का खड़ा है जिसके 5 बेटे हैं और अच्छा कमाते हैं, वो लोग लाइनों में खड़े हैं। सफ़ेद पोश आदमी मैंने या औरत नहीं देखी उसमें, मैंने वही देखे जिस घर में 10-10 कमाइयाँ आ रही हैं। रमज़ानों में भी उन्हीं को मिलता है जिस घर में 8 कमाइयाँ और 10 कमाइयाँ आ रही हैं। अच्छा फराज भाई, मेरा आपसे अब जो सवाल है वो थोड़ा सोशल मीडिया से रिलेटेड है। अक्सर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक पर हम वीडियो देखते हैं कि कोई गोलगप्पे खाने जा रहा है, चाट खाने जा रहा है, तो वो 100 रुपये की चाट खाता है या 100 रुपये के गोलगप्पे खाता है और 1000 रुपये दे के कैमरे में दिखाते हुए चला जाता है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई देखो, वो कैमरे में जो दिखा रहा है ना, तो वो तो मेरे हिसाब से लाइक या व्यूज़ के लिए दिखा रहा है, ऐसा ही है वो। यूँ के अब मिसाल है कि मैंने भी देखे हैं काफ़ी चैनल ऐसे कि वो होता ही है कि कोई ठेले वाला खड़ा हुआ है, उसके पीछे बोरा रखा और चले गए, दोबारा आते हैं कैमरा हटा के, और कोई मज़दूर बैठा उसके पीछे रख के चले गए। कहने का मकसद ये है कि अब आपको नहीं पता आपने बोरा रखा और चले गए, अब आपको पता ही नहीं उसकी कमाई कितनी है, या आपको पता ही नहीं है वो फ्रूट वाला खड़ा है या कोई ठेले वाला है, कोई भी एक्सपायर्ड, आपको पता ही नहीं है दिन के 5000 छाप रहा है या 1000 छाप रहा है, लेकिन आपने उसके पीछे ठेला रख दिया। क्यों? कि आपकी वीडियो आनी चाहिए, आपको लाइक और सब्सक्राइबर मिलने चाहिए, तो 30 लाख रुपये महीना, 25 लाख रुपये महीना बन जाता है, बन गया। उसमें से आपने कैमरे में 10 लाख रुपये बांट दिया, 15 लाख तो बच गए। तो भाई हर आदमी ने देखो अपना बस बिजनेस शुरू किया अपने तरीके से। अच्छा फराज भाई, अभी हमने वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, इस टाइम काफ़ी चल रही है वो वीडियो, कि एक बाप ने अपने पूरी फैमिली को, मतलब अपने बच्चों को और वाइफ को भी जहर दे के मार दिया महंगाई से परेशान होके, तो इसकी असल वजह क्या थी, क्या हकीकत है इसकी? आप भाई इसकी हकीकत यही तो है, जिस घर में 8 कमाइयाँ आ रही हैं इमदाद उन्हीं को तो मिल रही है, मैंने यही तो कहा है, और खाना भी वही लोग खा रहे हैं जिस घर में 8 कमाइयाँ आ रही हैं, समझ गए? अगर सही लोगों पे पहुंच जाए चीज़ें तो खुदकुशियाँ ना हो, अगर उन तक पहले पहुंच जाते, मतलब उन्हीं में से ऐसा तो होगा ना यार कि रिश्तेदार होंगे, उनमें पैसे वाले भी होंगे जिनको ज़कात खैरात भी निकालनी होगी, वो बजाय किसी दूसरे तीसरे को हाथ में 1-2 लाख रुपए देने से बेहतर है कि उसकी मदद कर देते, तो आज वो ना जहर खाता
उन्होंने अपने बीवी बच्चे को मारता बाद ये। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना कि इस टाइम मुल्क की सूरत हाल क्या है। अगर देखा जाए तो आधी से ज़्यादा गलती जो है वो हमारी अपनी है। और फराज़ भाई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी सच्चाई की बातें करी। ये वो बातें होती हैं जो आप लोगों को बहुत कम सुनने को मिलती है। तो आखिर में बात का हल और बात का मकसद यही आता है हमारे पास कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। आपके इर्द गिर्द आपके अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जान पहचान वालों में ही ऐसे सफ़ेद पोश लोग मौजूद होते हैं जिनको हाथ फैलाने में शर्म आती है, जो नहीं मांगते, जो अपनी ही खुददारी में मर जाते हैं, जहर खा लेते हैं, बच्चों को मार देते हैं। तो ऐसे लोगों का आप लोग ख़ास तरीके से ख्याल रखें, ख़ुद से जाके इनकी मदद करें। ऐसा हरगिज़ नहीं करिए कि आप अपनी सदकात ज़कात वगैरह लेके 200 किलोमीटर दूर जाके आप उसको वहाँ पर दें, जिस पे आपका दिल भी मुतमईन नहीं होता कि यार ये मेरी सदका जो है या मेरी ज़कात जो है ये जो मुस्तहिक बंदा है उस तक पहुँच भी पा रही है, नहीं पहुँच पा रही। तो बात का मकसद प्रोग्राम में एंड में आखिर में यही निकल के आता है कि जो भी आप लोगों को इस तरीके का स्टेप उठाना है वो आप अपने हाथ से उठाएं। और बाकी इसके अलावा जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे उसमें मेडिकल स्टोर वाले हैं, सब्ज़ी फ्रूट वाले हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई थोड़ा सा खौफ करें, क्योंकि मरना है एक दिन हम सबको। ये कहने का कि 10 आदमी नहीं इस मुल्क का मसला हल कर सकते हैं भाई, इस मुल्क का मसला पूरी आवाम करेगी हल, तो होगा, हम और आप मिलके करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें और फराज़ भाई को, मुझे और फराज़ भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।